हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथों में देख पा रहे हैं, असील का मुर्गा है। तो इसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है। हो सकता है जब भी आप मुर्गे अपने घरों में पालते हो तब आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। तो इसके साथ मैंने अंडे के पर्पज के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने दो ओरिजिनल गावटी मुर्गियां अंडों के पर्पज के लिए लगाई थी, लेकिन उस दो मादियों में से एक मुर्गी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। या दोस्तों, ये दोनों के दोनों भी मादियां अभी तीन से लेकर चार दिनों में अंडा देगी। तो इसी कारण ना, दो में से एक मादी के शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजह से ये इस मुर्गे के पूरे जो फीडर्स होते हैं उसको नोच नोच कर खा रही है। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा खासा मुर्गा, इसके पूरे के पूरे फीडर्स उस मुर्गे ने नोच के खा डाले है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो और साथ ही साथ आप यहाँ पर का भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके का अगर आपके पास भी प्रॉब्लम होता होगा, तो इतने अच्छे खासे फीडर्स के वजह से इनका पूरा का पूरा लुक होता है। अगर इस तरीके से अगर नोचने का प्रॉब्लम अगर आपके मुर्गे का भी होता होगा, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होगा या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पूरा का पूरा जानकारी आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहली बात, ये मेरी छोटी सी जगह है 10x3 की, मतलब 30 स्क्वायर फीट का आसपास का एरिया है। इनको घूमने फिरने को एरिया उनको ज्यादातर मिलती नहीं। इसके वजह से ये जो मेरी मुर्गियां है, दोनों के दोनों भी मुर्गियां पूरी तरह से स्ट्रेस में आ गई है। साथ ही साथ ये पहली दफा अंडे देने वाले, इसके कारण इनके शरीर में कैल्शियम की भी कमी हो गई है, ठीक है। तो इसी के वजह से, ये दो कारण के वजह से इस तरीके का बिहेवियर वो मुर्गी कर रही है। तो अभी बात कर लेते हैं कि हम इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। पहली बात, कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपको 10 से लेकर 12 दिन कंटिन्यूसली उस मुर्गियों को पानी में से लिक्विड कैल्शियम का डोज देना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जो भी उसकी चोच होती है उसकी डीबेकिंग करा लेनी होती है। तो मैं आपको आज के शुरू में देसी तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उसको घर के घर पे ही, अगर आपके पास डीबेकिंग मशीन नहीं है फिर भी आप घर के घर में ही किस हिसाब से उसकी डीबेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको एक बार उस मुर्गी को पकड़ लेता हूँ और उसकी डीबेकिंग किस हिसाब से करना है वो आपको मैं एक बार समझा कर बता दूंगा। पॉज कर। भैया, जो भी मुर्गी आपको प्रॉब्लम दे रही है उसको आपको पकड़ लेना है, ठीक है। और घर पे जो भी आपका गैस सिलेंडर होगा, ठीक है, जिस भी मतलब तवे पे जो आप खाने की रोटी बनाते हो उसको गैस चालू करके उसको पूरी तरह से गर्म कर लेना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मैंने ये वीडियो चालू कर दिया था तभी से मैंने इसको रखा है। तो आपको भी 5 से लेकर 10 मिनट तक के उसको तवे को गर्म कर लेना है। एक दफा वो पूरी तरह से अगर गर्म हो जाएगा तो उसका जो भी गर्म हुआ पोर्शन होगा बॉटम वाला, वहां पर आप मुर्गी की चोच लगा सकते हो और इसकी डीबेकिंग आप घर के घर पे ही कर सकते हो, ठीक है। तो कैल्शियम देना है आपको और इसी के साथ साथ इस तवे के ऊपर उसकी डीबेकिंग करानी है आपको। ये दो तरीके अपनाने से आपका जो भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी फीडर नोच कर खाने का जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करा के दिखाता हूँ कि इसकी डीबेकिंग तवे पे, मतलब घर के घर पे ही, मतलब घर के घर पर ही देसी उपाय किस हिसाब से करना है, ठीक है दोस्तों। ये तवे को पकड़ लेना है और इसको उल्टा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके पंख को पूरे उड़ा देना है। इसको 2 मिनट पकड़ के रखना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसकी डीबेकिंग हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसकी जो चोच है पूरी तरह से डीबेक हो चुकी है। आयो दोस्तों, मुझे तो वहां से पता नहीं चल रहा है आपको प्रॉपरली दिख रहा है या फिर नहीं, लेकिन इसकी प्रॉपरली पूरी की पूरी चोच डीबेक हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप घर पे ही देसी जुगाड़ लगा के जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हुआ था उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह का पॉलिटिकल नॉलेजफुल वीडियो लेके मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।